हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद ममता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गर्मी हो या ठंडी हो, हमेशा सीजनल सब्जी या फल का ही यूज़ करें, क्योंकि उनमें कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते तो वो हमारे लिए हेल्दी होते हैं। तो हमेशा कोशिश करें कि जो सीज़न पे फल और सब्जी मिलते हैं उन्हें यूज़ करें। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए ठंडियों में बिल्कुल आसानी से मिलने वाले आंवला के अचार की रेसिपी लेकर आई हूँ। और बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आंवला का अचार बनाया है, बिल्कुल जैसे मम्मी बनाती थी वही तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है। और अचार को आप कैसे लंबे समय तक स्टोर करके रखें ये भी मैंने शेयर किया है, तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई करिए। और चलिए देख लेते हैं कि हमने इसे कैसे बनाया है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये ले लिया है हमने आधा किलो आंवला। और आंवले का अचार या मुरब्बा बनाते समय हमेशा आंवले को ध्यान में रखते हुए लें, मतलब उसमें कोई भी दाग नहीं होना चाहिए और आंवला थोड़े बड़े साइज का होना चाहिए। उसके बाद मैंने इसे धुल लिया है और धुलकर इसका पानी सुखा लिया है। अब हम इसे स्टीम कर लेंगे। तो स्टीम करने के लिए मैंने एक पैन में पानी चढ़ा दिया, ऊपर से ये देखिए इस तरीके से जो जाली वाली थाली होती है ये रख दी है, इस पर हम आंवला रख देंगे। अगर आपके पास ये थाली नहीं है तो आप इसे स्टीमर में या इडली मेकर में भी स्टीम कर सकते हैं, या फिर आप इसे डायरेक्ट पानी में बॉयल भी कर सकते हैं। और अब हम इसे ढक कर 7 से 8 मिनट के लिए रख देंगे स्टीम होने के लिए। तो यहाँ पर ये देखिए 8 मिनट हो चुके हैं, चलिए चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए आंवला बहुत अच्छे से स्टीम हो चुका है, आप देख सकते हैं इसकी सारी कलियां अलग हो चुकी हैं। तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे निकाल लेंगे एक थाली में थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। और जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो हम इसे इस तरीके से ये देखिए इसकी कलियां अलग कर लेंगे और बीज इसके अलग कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से इसकी सारी कलियों को हम अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने सारे आंवले की कलियाँ इस तरीके से अलग कर ली हैं और बीज अलग कर लिए हैं। और अब मैं इसे आधे घंटे के लिए धूप में रख दूंगी। अगर धूप की सुविधा नहीं है तब आप इसे किसी कपड़े पर फैलाकर आधे घंटे के लिए पंखा चला दें, जिससे इसके सारे पानी अच्छे से सूख जाए। और जब तक ये सूख रहा है तब तक हम इसके मसाले तैयार कर लेंगे। तो मसालों में यहाँ पर मैंने 1 छोटा चम्मच ले लिया है अजवाइन, 2 छोटा चम्मच मैंने ले लिया है ये धनिया साबुत धनिया, 1.5 चम्मच मैंने ले लिया है सौंफ, 1 चम्मच मैंने ले लिया है मेथी और 1 चम्मच मैंने ले लिया है जीरा। और अब हम इन सब मसालों को थोड़ा सा भून लेंगे। भूनने से क्या होता है कि इसमें एक बहुत अच्छी सी खुशबू आती है और इसकी सारी नमी निकल जाती है, तो अचार लंबे समय तक खराब नहीं होता है। बस इसे 1 से 2 मिनट भूनना है। तो ये देखिए मसाले अच्छे से भून गए हैं, इन्हें निकाल लेंगे हम एक प्लेट में। और अब मैं इसमें ले लूंगी 2 चम्मच पीली वाली राई। तो यहाँ पर मैं पीली वाली राई का यूज कर रही हूँ, अगर आपके पास नहीं है तो आप काली वाली भी ले सकते हैं। और उसके बाद इसे हम थोड़ा सा दरदरा पीस लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने अचार बनाने के लिए 100 ग्राम मिर्ची ली है, 50 ग्राम लहसुन लिया है और 50 ग्राम अदरक ली है। और इधर हमारे ये आंवला भी देखिए अच्छे से सूख चुके हैं। तो यहाँ पर मैं आधी मिर्ची इसमें काट कर यूज करूंगी और आधी मिर्ची मैं इसमें पीस कर यूज करूंगी। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से मैं काट लूंगी आधी मिर्ची को। तो ये देखिए मैंने आधी मिर्ची काट ली है, उसके बाद मैं इसमें लहसुन अदरक और मिर्ची को पीस लूंगी। लेकिन बहुत महीन पेस्ट हमें नहीं बनाना है, थोड़ा सा दरदरा सा पीसना है। या अगर आपके पास चॉपर है तो आप चॉपर में भी इसे चॉप कर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल महीन पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़ा सा दरदरा पीसना है। और उसके बाद मैं ले लूंगी एक मिक्सिंग बोल, उसमें डाल लूंगी आंवला और हरी मिर्ची जो भी हमने काट के रखी है। और अब हम इसमें डाल लेंगे मसाला जो हमने भून कर पीस के रखा है ये। और अब हम इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच मंगरेल, 1/2 छोटा चम्मच इसमें डाल देंगे हींग, 1/2 छोटा चम्मच डाल देंगे हल्दी पाउडर और 1 छोटा चम्मच हम इसमें डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे इसमें कलर बहुत अच्छा आता है और ये बिल्कुल तीखा नहीं होता है। और 1 छोटा चम्मच इसमें डाल देंगे काला नमक, 1 छोटा चम्मच डाल देंगे नमक। और उसके बाद ये जो हमने अदरक लहसुन और मिर्ची का पीस लिया था इसे डाल देंगे। तो अब हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच विनेगर। और विनेगर अचार को बहुत लंबे समय तक खराब नहीं करता, विनेगर अचार के लिए बहुत अच्छा प्रिजर्वेटिव है। तो अगर आप अचार को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए नहीं बना रहे हैं तो विनेगर को स्किप भी कर सकते हैं, इसकी जगह आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं या घर का बना हुआ सिरका भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये ले लिया है 5 बड़े चम्मच सरसों का तेल। और यहाँ पर मैं सरसों के तेल को गर्म करके नहीं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं इसे धूप में सुखाऊंगी। अगर आपके पास धूप की सुविधा नहीं है तब आप
तेल को गर्म कर लें अच्छे से, उसके बाद उसे ठंडा कर लें फिर यूज करें। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो ये देखिए अचार का कलर कितना अच्छा आया है, और इसको देखकर लग रहा है ना कि तुरंत खा लें। और यकीन मानिए अचार बनाते बनाते ही मेरे मुंह में पानी आ गया था। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिए, और अगर आप इसे ज़्यादा समय तक के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा तेल गर्म कर लें अच्छे से, उसके बाद ठंडा कर लें फिर इसमें ऐड कर दें, और ये बहुत लंबे समय तक ख़राब नहीं होगा। उसके बाद फिर आप अचार को किसी कांच के जार में या फिर प्लास्टिक के ही एयर टाइट जार को अच्छे से धुलकर उसका पानी अच्छे से सुखा लें। उसके बाद उसमें डाल दें एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल और एक छोटा चम्मच नमक, और अब इन सब चीज़ों को अच्छे से हिला हिला कर मिला दें, जिससे कि पूरे मतलब जार में तेल और नमक अच्छे से मिल जाए। क्योंकि अचार के लिए तेल, सरसों का और नमक और विनेगर तीनों चीज़ें बहुत अच्छा प्रिजर्वेटिव का काम करती हैं। तो अगर आप इस तरीके से जार को कोट कर लेंगे ना तो आपका अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और अब हम इसमें डाल देंगे अचार, और इस तरीके से अगर आप अचार को रखते हैं ना तो सच बता रही हूँ आपका अचार बिल्कुल लंबे समय तक खराब नहीं होगा। और इसे मैं 2 से 3 दिन के लिए धूप में रख दूंगी, और अगर आपके पास धूप की सुविधा नहीं है तब आप इसमें जैसे मैंने पहले बताया थोड़ा सा तेल गर्म करके ठंडा करके ऐड कर दें। और धूप में रखने के लिए आप इसमें इस तरीके से देखिए एक पतला कपड़ा सूती ले लें, उसे बांधें, उसे बांध कर इसे धूप में रखें, ढक्कन लगाकर बिल्कुल भी ना रखें। और यहाँ पर ये देखिए बिल्कुल टेस्टी सा अचार बनकर तैयार है। तो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।